दोस्तों, शेखावाटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास होगी मैथ्स की और वो भी होगी पटवारी के लिए। तो पटवारी का आज से नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। पटवारी का जो बैच है, देखो पटवारी की एग्जाम डेट आ गई है। एग्जाम डेट है पटवारी की 28/2/2021। आज है 30/6/2000 महीने है, 8 महीने हमारे पास है। इसके अंदर पहले मैं आपको कुछ सिलेबस बता देता हूँ, पटवारी का क्या सिलेबस है, मैथ का क्या सिलेबस है, और जो पहले पटवारी में था वो क्या था, और अब पटवारी में क्या होगा, एग्जाम कैसे होगी। पहले देखो, पटवारी में पहले कितनी एग्जाम थी, 2 एग्जाम, प्री और मेन। प्री और मेंस 2 एग्जाम थी पहले, अब कितनी एग्जाम होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 एग्जाम होगी। 1 एग्जाम होगी। इससे पहले इसमें कुछ जो टॉपिक थे उनमें चेंज था। अब क्या देखो चेंज किया है, अब कितना वेटेज, कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप पिछले, पहले क्या था, सामान्य ज्ञान नहीं था, सामान्य ज्ञान नहीं था पहले, सामान्य ज्ञान नहीं था पहले, अब है सामान्य ज्ञान। कितने प्रतिशत सामान्य ज्ञान है, 25%। यानी 25% का मतलब है कितने नंबर का आएगा, यानी कि इसके लगभग 38 क्वेश्चन आएंगे और 76 नंबर का ये टोटल आएगा। 25% जो पूरा पटवारी का जो पेपर आएगा उसके अंदर 25% सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान में 38 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और वो 76 नंबर के होंगे, मतलब 38 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी, 76 और नंबर कितने होंगे, क्वेश्चनों की संख्या होगी 38 और नंबर होंगे 76। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, देखो इस सामान्य ज्ञान में आएगा भारत का इतिहास, भारत का इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, संविधान आएगा, ठीक है, अर्थव्यवस्था आएगी, उसके बाद साइंस आएगी, विज्ञान, ये जो जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि जो सामान्य ज्ञान है जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन है उन्हीं में से पेपर आना है। भारत का भूगोल है, समसामयिक की है, करंट है, जीके मतलब करंट जीके आएगा, करंट जीके आएगा। ये जो नॉर्मल से करंट जीके आप डेली पढ़ते हो, भारत, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, इन सभी के जो मिलके जो क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 38 क्वेश्चन आएंगे 76 नंबर के, क्योंकि पटवारी के जो एग्जाम है उसके कुल कितने नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, इसमें से 150 क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 टोटल नंबर होता है। 1/3 माइनस मार्किंग है, 1/3 ऋणात्मक अंक हुआ, मतलब 1/3 है, यानी कि आपके जो नंबर आएंगे अगर गलत क्वेश्चन किया है तो 1/3 नंबर काट लिया जाएगा उस क्वेश्चन का, 1/3 नंबर काटा जाएगा। आपके जो सही आंसर होंगे उनमें से 1/3 नंबर इसका काट लिया जाएगा। तो ये आपको करना होगा कि क्वेश्चन सही से ज्यादा सही करें, गलत करने की कोशिश ना करें। अगर नहीं आए तो उसको छोड़ देना ही बेहतर होगा, या फिर आप करके आते हो, तुक्का लगा के आते हो, गलत हो गया तो आते हैं जो नंबर आए हैं उनमें से आप दोबारा से माइनस में चले जाओगे, तो ये दिक्कत होगी इसमें। तो आप ध्यान में रखेंगे माइनस 1/3 माइनस मार्किंग ज्यादा होती है, कम नहीं है, 1/3 माइनस मार्किंग है, ज्यादा होती है, कम नहीं है। तो ये तो सामान्य ज्ञान हो गया। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान जीके है वो टोटल है, राजस्थान जीके टोटल है 20% है, 30 क्वेश्चन आएंगे और टोटल कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का, 20% है टोटल, 30 क्वेश्चन आएंगे वो भी कितने नंबर के आएंगे, 60 नंबर के। उसके बाद आएगा हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और
अंग्रेजी ये है टोटल 15%, यानी कि समथिंग समथिंग 22 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 44 नंबर गणित है। गणित और रीजनिंग ये टोटल है 30, यानी कितने क्वेश्चन आने हैं 45 क्वेश्चन आने हैं वो भी 90 नंबर। इसके बाद है कंप्यूटर जो बच गया, वो कंप्यूटर है 10%, यानी कि 15 के लगभग क्वेश्चन आएंगे और 23 ये इसका वो रहेगा। 100% हो गया, 150 क्वेश्चन और टोटल 300 नंबर ये इसका रहेगा। अब देखो पहले क्या होता था, पहले की बात होता हूँ आपको, पहले यहाँ से सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन नहीं आता था, यानी कि करंट का तो नाम ही नहीं आता था पटवारी में। उसके बाद राजस्थान जीके, हिंदी, अब अंग्रेजी भी उसमें नहीं आती थी, गणित बहुत ज़्यादा थी, कंप्यूटर अब पिछले दो साल से कंप्यूटर जोड़ दिया गया था, इससे पहले कंप्यूटर भी नहीं था। तो देखो यहाँ से रीजनिंग कंप्यूटर का अलग भाग नहीं था, ये राजस्थान जीके के अंदर सामान्य ज्ञान में गणित हिंदी और राजस्थान जीके के अंदर ही इसके क्वेश्चन आपको मिलते थे। अब राजस्थान जीके के अंदर ही इसके क्वेश्चन मिलते थे, अब अलग से पार्ट है ये, राजस्थान जीके के अंदर इसके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अलग से इसका पार्ट हो गया है। हम पढ़ेंगे आज गणित, लेकिन इससे पहले गणित पहले बहुत ज्यादा थी, त्रिकोणमिति थी, क्षेत्रमिति थी, त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, आयतों का क्षेत्रफल है, मतलब बहुत सा था, लंबा चौड़ा था। अब लेकिन अब उसको हटा दिया गया है, अब उसमें ज्यादातर अंग गणित के टॉपिक रखे गए हैं, अंग गणित के जैसे प्रतिशत रहा, समानुपात, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, ये जो क्वेश्चन है अब ये रहे हैं, तो वो हमें करने हैं। अब देखो जो पहली बार एग्जाम दे रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि उसको पेपर भी एक ही देना है, मतलब एक एग्जाम दो और सिलेक्शन पाओ। पहले पटवारी की कितनी एग्जाम लगती है, दो एग्जाम लगती है, उसके बाद सिलेक्शन। अब की बार पटवारी की एक ही एग्जाम है और एक एग्जाम के बाद आपको सिलेक्शन है, तो कंपटीशन थोड़ा हार्ड होगा, मतलब कि जो पेपर है उसका लेवल पहले से ही बढ़ के आएगा और कंपटीशन हार्ड होगा। हार्ड तो इसलिए होगा क्योंकि राजस्थान में कोई और वैकेंसी है नहीं, अभी है नहीं, तो थर्ड ग्रेड रीट की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, सेकेंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी, और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी पटवारी देंगे। दूसरी बात है, पहले 12th पास यानी कि 12वीं पास के जो बच्चे थे वो इसके अंदर भाग लेते थे, पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन अब 12th क्लास हटा दिया गया है, अब जो BA जिसने कर रखी है वो ही इसके अंदर कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर बेस्ट नहीं दिया आपने तो आप कंपटीशन से बाहर हो पहले से ही, तो आपको बेस्ट करना ही होगा, इसके लिए आपको पढ़ने की जरूरी है। और अब बात करें इस चैनल की, तो इस चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास आज से स्टार्ट कर दी जाएगी, कंप्लीट कोर्स मैथ और रीजनिंग का आपको करवाया जाएगा। इसके बाद कल से इंग्लिश की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की क्लास आपको, मतलब इस सप्ताह के अंदर या फिर अगले सप्ताह के अंदर सारे सब्जेक्टों की क्लास रेगुलर आपको मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जो भाई बहन ज़्यादा मतलब बहुत से जैसे उत्कर्ष ऐप है और है इन पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको यहाँ से रेगुलर पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, वो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको मैथ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रतिशत। टॉपिक हमारा होगा प्रतिशत, क्यों होगा प्रतिशत ये आपको बता दूं कि प्रतिशत है वो अंकगणित के सभी टॉपिकों में आता है, प्रतिशत है वो अंकगणित के सभी टॉपिकों में आता है। कैसे आता है, जैसे एक तो प्रतिशत खुद, उसके बाद अनुपात, समानुपात, इसमें भी औसत के जो क्वेश्चन है उसमें भी, ब्याज, लाभ हानि, आयतन, क्षेत्रफल, इनमें भी प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे, और साझा के जो क्वेश्चन है
पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे, पाइप टैंक के वाले हैं इसके अंदर भी प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे, समय चाल दूरी इसके अंदर भी प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे। तो मान लो ये टॉपिक जो प्रतिशत जो टॉपिक है, प्रतिशत जो टॉपिक है वो अंक गणित के लगभग सभी टॉपिकों में काम में आएगा। तो इस प्रतिशत की क्लास होंगी कम से कम 10 से 12 क्लास प्रतिशत टॉपिक की होंगी, बहुत से टाइप है प्रतिशत टॉपिक में। और इसके हर एग्जाम में आपको अगर एग्जाम में सीधा प्रतिशत का क्वेश्चन नहीं, प्रतिशत टॉपिक का सीधा क्वेश्चन नहीं मिलता तो लाभ हानि में मिल जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज में मिल जाएगा, अनुपात समानुपात में मिल जाएगा, क्षेत्रफल आयतन में मिल जाएगा, कहीं भी मिले आपको कम से कम प्रतिशत के कम से कम 5 क्वेश्चन हर एग्जाम जो जिसमें मैथ आती है उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन प्रतिशत से मिलते हैं। तो प्रतिशत टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंक गणित के लिए, और पटवारी के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, बट वो कौन सा है, प्रतिशत है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखो प्रतिशत हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आज से। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत प्रति और सत, यानी सत का मतलब क्या हो गया, सो, यानी कि सो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सो। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, सो हुआ, यानी कि एक मान लेते हैं तो एक अपने आप में क्या है, 100 है। 10 मान लेते हैं, 10 अपने आप में क्या है, 100% है। ये भी कितना है, 100% है। तो समझ गए बात, इस प्रतिशत का मतलब होता क्या है, 100 होता है, यानी कि सीधा सीधा प्रतिशत का मतलब क्या बोलेंगे हम कि प्रतिशत का मतलब है 100, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। इसके बाद प्रतिशत देखो, मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊं, यानी कि कोई विद्यालय है, विद्यालय में मान लो 250 छात्र छात्राएं, कुल कितने हैं, कुल 250 छात्र छात्राएं। मैं बोलूं कि इसके अंदर 150 छात्र और 100 छात्राएं हैं, तो छात्रों का प्रतिशत बताओ, यानी 150 लड़के और 100 लड़कियां हैं, तो लड़कों का प्रतिशत बताओ। तो कैसे करोगे, कितने लड़के हैं, 150, कितने में से हैं, 250 में से, क्या कर देंगे, 100 से गुणा, 0 0 कैंसिल, कितने प्रतिशत आ गए, 1 0 कैंसिल हुआ है, ये 0 कैंसिल नहीं होगा, भाग लगा देंगे इसके अंदर, कितना आएगा, 60%, कितना आया, 60%। मतलब लड़के कितने हो गए, 60% लड़के हैं और 40% क्या हैं, लड़कियां हैं। तो ये बात आई कहां से, देखो आई कहां से है, ये हमें क्या मिला, देखो एक तो कुल, ये तो क्या हुआ, कुल, ये क्या हुआ, लड़के और ये लड़कियां, तीन ही चीज तो थी, इसका प्रतिशत निकालना था, लड़कों का निकालना था। लड़के कितने टोटल है, 150, कितने में से, 250 में से, तो 150 ऊपर 250 नीचे, बात प्रतिशत लगाना है तो किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और प्रतिशत हटाना हो तो क्या कर देंगे, 100 का भाग लगा देंगे। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसे मिल जाए, क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 250 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 250 विद्यार्थी हैं, उनमें से 60% क्या हैं, लड़के हैं, 60% क्या हैं, लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ, विद्यालय में 250 है, टोटल कितने हैं, 250 विद्यार्थी हैं, उनमें से 60% लड़के हैं, प्रतिशत लड़के हैं, तो हमें लड़कों की क्या बतानी है, संख्या बतानी है, तो क्या आ जाएगा, 250 गुणा कितने प्रतिशत लड़के हैं, 60, तो 60% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, कैंसिल, कितने आ जाएंगे, 150। बात सीधी सी है, आपको प्रतिशत स्टार्ट करेंगे उससे पहले दो बातों का प्रतिशत में पता होना चाहिए आपको, वो दो बात कौन सी हैं, अगर प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, और प्रतिशत अगर लगाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ये दो बात आप ध्यान में रखो, प्रतिशत होता क्या है, अंश बटे हर इंटू 100 बराबर क्या होता है, प्रतिशत, यानी कोई भी संख्या है अंश और हर की, उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या होगा, प्रतिशत, या भिन्न गुणा 100 बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत, यही हमारा प्रतिशत। अब इस पर हम
देखो प्रतिशत ऐसे तो सीधे से क्वेश्चन है, आप कर सकते हो प्रतिशत ज्यादा। नॉर्मली हम टाइप वाइज चलेंगे यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है। अब लेकिन इससे पहले आपको जैसे मान लो कोई संख्या है 800 दे दिया, मैं बोल दूं 400 का 10% बताओ, तो आप सीधा कर दोगे 10% हो गया, कितना हो गया 10% 40 हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे इसको भी अगर कॉपी पेन की सहायता से करोगे तो प्रतिशत पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी आनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन बेस्ट। जितने भी क्वेश्चन है हम मौके के एक बार उनकी कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करती है। तो देखो जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आए कि एक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा, क्वेश्चन ये आया कि एक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा, एक्स का पूछा है एक्स का वाई प्रतिशत कितना होगा, तो एक्स गुना वाई बटे, तो यही तो होता है प्रतिशत, वाई प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना होगा, मतलब वाई प्रतिशत कितना होगा, हमें तो संख्या बतानी पड़ेगी कितना होगा। वो कितना होगा वो निकालने के लिए यहां से प्रतिशत हटा, प्रतिशत हट के नीचे प्रतिशत हटने पर क्या आया, 100 आया, तो 100 लगा दिया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये बोल दिया कि 400 का 10% कितना होगा, 400 का 10% कितना होगा, तो 400 गुणा 10 बटे 100, ये कितना आ गया 40। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको मौखिक आने चाहिए, मतलब अंगुलियों पे आने चाहिए कि 10% कितना होगा, 20% कितना होगा, 30% कितना होगा, 40% कितना होगा, 11% कितना होगा, 19% कितना होगा, 30% जो भी है, 89% क्या होगा, 99% क्या होगा, ये सभी आपको आने चाहिए। इसके लिए देखो एक छोटी सी टेबल है वो आप याद रख सकते हो, टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट जैसे x का y प्रतिशत, ये आप याद रखना कि x का y प्रतिशत हमें निकालना है, इसकी टाइप फर्स्ट है, इसको आप ध्यान में रखना है। मतलब मैं ऐसे देखो एक टेबल बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखूं 800, 2400 कुछ भी लिख सकते हो आप, 160 और 4 लिख दिया, 800, 2400, 160 और 4, मैं बोलूंगी इनका 10%। अब 10% निकालने बैठोगे आप तो कॉपी और पेन लेके नहीं निकालना है, हमें टिप्स पर निकालना है। आप कैसे टिप्स पर कैसे निकालोगे वो बताता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ इसका 10% निकालो। अब 10% आपको निकालना तो आता ही है, ऐसा तो है नहीं कि 10% किसी को निकालना नहीं आई। क्या होता है 10%, 800 गुना 10 बटे 100, यही तो होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 80। मैं बोलूं कि 700 का 10% निकालो, 700 का 10% क्या हो गया 70 हो गया, 700 का 10% कितना आया 70। तो आपने यहां से एक चीज नोट की होगी क्योंकि 10% निकाल रहा है, मतलब इसकी कितनी जीरो कट रही है, एक, यहाँ भी कितनी कट रही है, एक, तो मैं यहाँ से एक जीरो हटा दूं, 800 का 10% कितना हो जाएगा 80, 2400 का 10% कितना हो जाएगा 240, 160 का 10% कितना हो जाएगा 16, और इसका 0.4 नहीं लिख सकता क्या, समझ गए बात। अगर मैं इसका 20% बोलूं, 10 का डबल कितना होता है 80, 160, 240 का डबल कितना होता है 480, यही होता है, 16 का डबल कितना होता है 32, और 0.4 का डबल कितना होता है 8, ये आप कर सकते हो आराम से। 10% भी हो गया, 20% भी हो गया। अब कोई बोलता है कि 5% बताओ, 10-20 तो सभी कर देंगे, 5% बताओ, तो 5% कर देंगे। देखो 10 है, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा सीधा 5, 10 का आधा 5 ही तो होता है, तो 80 का आधा कर दो कितना आ गया 40, 240 का आधा कर दो कितना आ गया 120, 240 का आधा 120 ही होता है, 16 का आधा कर दो कितना आ गया 8, और इसका आधा कर दो 0.2। तो ये बात कहने की बात ये है कि आपको क्या करना है, मौखिक करने हैं ये। अब कोई बोल दे कि 11% बताओ, 15% बताओ, 20% बताओ, तो ये आपको करने हैं। देखो यहां से अगर कोई बोल दे 1% बताओ, 800 का 1% बताओ, 800 का 1% नीचे दो जीरो लगेंगे, दो जीरो कट जाएंगे, क्या आएगा 8, 800 का 1% क्या आएगा 8। अगर बात यहां से करें तो 1% क्या आ जाएगा, 1% क्या आएगा, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा 24, यहां से 1% क्या आएगा 1.6, और यहां से 1% क्या आएगा 0.04, ये तो होगा 1%,
सीधी सी बात है, आप 1% निकाल सकते हो, 5% निकालते हो, 20% निकालते हो, 10% भी निकाल सकते हो। समझ गए बात? अब कोई आपको बोलते कि मुझे तो इसके 71% निकाल के दिखाओ, 71% निकालने हैं, किससे गुणा कर दूं? 7 से, और प्लस कितना कर दूं? 1% कितना होता है? 8, निकल गया 71, 8 × 7 = 56, 560 प्लस 8, ये तो क्या जो रहा है? आप 30 पे कर सकते हैं इसको, 8 × 7 = 56, 560 प्लस 8, 560 और प्लस 8 कितने हो गए? 568, तो 71% कितना हो गया इसका? 568, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 20 को किससे गुणा कर दोगे? 80% बोल दे, 89% बोल दे, कोई भी बोल सकते हैं। तो आप 1 को काम में ले सकते हो, 5 को ले सकते हो, 20 को ले सकते हो, 10 को ले सकते हो, 15 निकालना है, 10 और 5 को जोड़ दो, 10 और 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं, 80 और 40 कितना हो गया? 120, 80 और 40 120, ये कितना हो गया? 10 और 5 120 और 240 कितना हो गया? 360, ये कितना हो गया? देखो 5 कितना है? 8 और 16 24, ये कितना हो गया? पॉइंट 2 और पॉइंट 6। तो आप ध्यान में रखो इस बात को कि हमें ये सारी चीजें क्या आनी चाहिए? मौखिक आनी चाहिए। मौखिक आएंगी तभी हम इसको कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको ये देते दे, कोई भी संख्या देते दे, आपको बोलते कि 636 का 16 सही 2/3 बताओ, 636 का 16 सही 2/3% बताओ। अब आपको मौखिक तो सभी को आना, ये बात मौखिक आनी चाहिए इतनी, लेकिन अब ये भिन्न में आ गई तो आप ऐसे हो गए कि हाँ ये तो भिन्न में आ गई, अब हमें नहीं आएगी। तो पहले तो आप जो बेसिक रूल क्या है, 636 का मतलब क्या हो गया? गुणा 16 × 3 = 48 और 2 कितना हो गया? 50/3। अब प्रतिशत है इसके साथ तो हटाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे? 100 से। समझ गए बात? ये तो क्या हो गया, इसका बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कितना आएगा? 106, ठीक है। देखो ये तो इसका बेसिक हो गया, 636 गुणा इसको भिन्न में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा? 50/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो उसका गुणा में क्या आ जाएगा? 100। इतनी बात आप समझ गए, लेकिन इसको ऐसे आप करोगे तो बहुत सा टाइम लग जाएगा, तो अब इसको ऐसे नहीं करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना रहा हूं मैं, वो टेबल आप याद करोगे और उस टेबल के परसेंट प्रतिशत आपको याद रहने चाहिए, उस टेबल के प्रतिशत आपको याद रहने चाहिए। वो टेबल आप देखो, एक साइड में तो भिन्न लिखो, एक साइड में प्रतिशत लिखो। इस साइड में तो क्या लिखोगे? भिन्न, और इस साइड में लिखो प्रतिशत। जैसे मैं बोलूं आपको 1/2, 1/2 का मतलब कितना होगा? 50%, कितना होगा? 50%। फिर बोलूं 1/3, 1/3 का मतलब क्या होगा? 33% सही, 1/3% या 33.33, ठीक है। उसके बाद लिखूं 1/4, 1/4 का मतलब कितना होगा? 25%। उसके बाद लिखूं 1/5, 1/5 का मतलब कितना होगा? 20%। फिर 1/6 का क्या होगा? 16 सही 2/3%, 1/6 का क्या होगा? 16 सही 2/3%, या फिर 16.67% भी लिख सकते हो इसको। 1/7, 1/7 का मतलब क्या होगा? 14 सही 2/7%, या फिर इसको आप लिख सकते हो 14.28%। उसके बाद 1/8, 1/8 का क्या होगा? 12 सही 1/2%। मिटा रहा हूँ इसको, देख लेना दोबारा से, ये टेबल बनानी है आपको। प्रतिशत अगर पढ़ना है तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। 1/8 तक हो गया था, 1/9 देखो, 1/9 का क्या होगा? 1/9 का होगा 11 सही 1/9%, यानी कि 11.11%। 1/10 यानी कि 10%। 1/11 9 सही 9/11%, 9 सही 9/11 का 9 सही 1/11%।